नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए कि आपको बचे हुए दिन में कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन कौन से हाईलाइटेड टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। मैंने कई साल का ट्रेंड देखा है, कई साल का एग्जामिनेशन का पैटर्न देखा है, आप 18 जून का भी पैटर्न देख लीजिए। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि नोटिस किया है, खासकर पॉलिटिकल साइंस पेपर टू आप ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस P2 में, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन कहां से आने की संभावना रहती है, तो आपके पास टोटल यूनिट है 10, 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन एवरेज रहता है। पर मैं कह रहा हूं कि आपको 10 यूनिट के सारे 10 यूनिट अब आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूं, यहां से आप कर लीजिए ये टॉपिक कर लीजिए, तो आपका नेट आराम से निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कहाँ से, बाकी जो आप पढ़े हैं वो तो आपके दिमाग में है और आपका वहां क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वहां से। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, पीछे से शुरू कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कुछ चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, भारतीय राज्य व्यवस्था को जरूर पढ़ें, सारे टॉपिक्स को पढ़ें। क्या क्या? फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रेसिडेंट, PM, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपके हॉट टॉपिक हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कर पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आपके कम से कम 15 क्वेश्चन सही होंगे। 15 क्वेश्चन आप डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ से आएंगे, भारतीय राज व्यवस्था से आते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भारतीय अगर संविधान आप अगर पढ़ लेंगे तो वहां से आपके 15 के क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आप कुछ छोड़ने जैसा आपका कुछ है नहीं, भारतीय राज व्यवस्था को आप घोट के पी जाइए, आर्टिकल याद कर लीजिए सारे, ठीक है। अब मैं कुछ फैक्ट वाली चीजें बता रहा हूँ, जैसे PM की लिस्ट हो गई, प्रेसिडेंट की लिस्ट हो गई, लोकसभा स्पीकर की हो गई, राज्यसभा स्पीकर की हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका विदेश मंत्री हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ये सारे इनके नाम आप जरूर याद रखिए। फिर आपके UPSC के चेयरमैन हो गए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो गए। तो कमीशन जितने हैं इनके सारे चेयरमैन आपको याद रखने हैं। भारत में लगभग 14 से 15 कमीशन है, इसमें 4 से 5 को आप जरूर याद रख लीजिए, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं, UPSC हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, STSC, OBC, इनके सारे नाम आपको याद रखना है। UGC नेट है, आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस है तो आपको कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत आता है, बहुत आता है। उसमें आपको ईयर भी याद रखना होता है, उनके क्रोनोलॉजिकल याद रखना होता है, ठीक है। हाँ, एक बात यह है NTA की, थोड़ा आसान कर देता है सवाल, ठीक है। तो इनके सारे लिस्ट आपको याद रखना है, सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है। खेल मंत्री हो गए, महिला बाल विकास मंत्री, सड़क मंत्री, इन सब के नहीं याद रखना है, पर जो मेन है, जैसे गृह मंत्री हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, और आपके लोकसभा, राज्यसभा, PM, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की लिस्ट आपको याद जरूर करना है, ठीक ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपको पढ़ लेना है, जितना बचा टाइम है सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ, लोकल गवर्नमेंट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब इनका लिस्ट आपको याद रखना है। फिर ये तो रही भारतीय व्यवस्था की, फिर आता है आपका, अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा हटके और टॉपिक्स, जितने भी स्टेटमेंट हैं थिंकर्स के, ये आपको एक कॉपी में 50-60 स्टेटमेंट लिख लेना है, फेमस फेमस, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, उनके स्टेटमेंट आने ही आने हैं, 3-4 श्योर है। स्टेटमेंट के बाद बुक्स
आना ही आना है, 4 से 5 बुक्स आना है, जोड़ी मिलाने के लिए आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, वो चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न, जो आपकी लिस्ट में दिए गए हैं ना पॉलिटिकल थिंकर्स, उनसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। उनके सारी किताबों को याद रख लेना है, अरस्तु, प्लेटो, आपके मैकियावेली, कन्फ्यूशियस, अन्ना हांट, तो इन सब से कर लेना है, ठीक है। नेहरू, अंबेडकर, गांधी, कौटिल्य, सबकी किताबें जरूर याद रखना है, उनके स्टेटमेंट याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, यहाँ से जितना मैंने टॉपिक लिख दिया ना, इससे कम से कम आपके 35 क्वेश्चन हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इन दो टॉपिक से, मैं एकदम बता रहा हूँ, आराम से यहाँ से क्वेश्चन इतने आ जाएंगे। फिर आपको याद रखना है वाद, केसेस जितने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वो याद रख लेना है। भारत में जो कमेटी बनी है बहुत सारी, खासकर इकोनॉमी से रिलेटेड हो गई, पॉलिटी से रिलेटेड हो गई, इनकी कमेटी की लिस्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। फिर आप एक बात ये रखिए, 1947 टू लेके 2024 तक जितने भी घटनाक्रम हुआ है, हिस्टोरिकल हुआ, पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिकल हुआ, खासकर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इनका घटनाक्रम आप जरूर याद रखिए। यही मतलब इसमें यही आता है कि पहले जैसे आजाद हुआ, फिर मैं क्या बोलते हैं, फिर आपके विकास, विकास के क्रम में पंचायती राज व्यवस्था आई, इंदिरा काल, आप क्या करिए, प्रधानमंत्री के लिस्ट बाय लिस्ट आप याद रख लीजिए, उन्होंने क्या किया, 5 ईयर एक्शन प्लान आए, राजीव गांधी आए, उन्होंने दूर संचार में वो काम किया, फिर 1991 से 2003 तक उथल पुथल चला, तो एक घटनाक्रम आपको यहाँ याद रखना है, इससे आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आपको आता है और क्या आ सकता है, यहाँ पर मैंने देखा हाँ, अब कुछ यूएनओ हुआ, सार्क हुआ, जितने भी संगठन है, कम से कम 10 संगठन जो बहुत फेमस फेमस है, उनके आपको मुख्यालय याद रख लेना है, उनका गठन कब हुआ, उनके मुख्यालय गठन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ से आज क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर आते हैं बेसिक, आपको याद रखना है मेन मेन जो मुख्यमंत्री हुए, खासकर जो प्रधानमंत्री बने, कौन कौन से राज्य के हुए, राज्यपाल हुए, ये सब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा के ऐसे सांसद जो राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री बने, इन सब की लिस्ट आपको बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से याद रखना है। लोकसभा की सीट कितनी है, हर राज्य की आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम टॉप 10 की तो आपको याद रखना पड़ेगा, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, हर राज्य की कौन सी है, खासकर हाईलाइटेड राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्यों को भी आपको लिखना है, CM, गवर्नर, ये सब याद रखना है। तो आप ये फैक्चुअल करेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं यार फैक्चुअल हम नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन फैक्चुअल ही क्वेश्चन आना है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन आना ही आना है पॉलिटिकल साइंस में, आप उससे नहीं बच सकते, तो आपको इनकी लिस्ट बहुत जरूरी याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने का तरीका है, ज्यादा मत पढ़िएगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 नीतियां हैं, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति, ये किसने दिया, तो नॉर्मल आप देखें तो देखें नहीं कोई, पर इतना चीज आप जरूर कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। एक फिर से मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें आपको करना है जो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, अच्छे नंबर दिलाने का मतलब आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे फिर भी 60+ आपके स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ शुरू से आप देखिएगा, थोड़ा मैं यूनिट वाइज, पॉलिटिकल पहला है वो है थ्योरीज है, थ्योरीज से ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ सही पे। उसके बाद आपका आता है, क्या आते हैं, थिंकर्स, थिंकर से है, थिंकर से स्टेटमेंट है और उनकी बुक्स है, फिर इंडियन थिंकर्स है, इंडियन थिंकर्स से स्टेटमेंट है एंड बुक्स, देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है, इंटरनेशनल रिलेशन कुछ नहीं, कुछ कुछ युद्ध आपको, बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटीज हुई हैं, वर्सायल की संधि जैसी हुई है,
ये सब आपको विश्व युद्ध कब हुआ, ये फेमस फेमस चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आ जाएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये भी भारत के संविधान के अंतर्गत आएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावना है, वहां से, यहाँ बुक आएंगी कौन कौन लिखा है, यहाँ से आने की क्वेश्चन संभावनाएं रहती है बस। गवर्नेंस एंड पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पॉलिसी में यही है, जो जो नीतियां हैं आने वाले खासकर प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उनको आप देख लीजिएगा, उनका ईयर देख लीजिए, ईयर से क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है। ईयर आपका रटने वाला है, उसको जरूर है, लेकिन आपको समझ के पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा, ठीक है। और इन नाम याद रखना है तो चाहे जैसे भी आपको करना ही पड़ेगा, तो ये स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा आपको पॉलिटिकल साइंस में। फैक्ट बहुत आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, इसमें बचने से बच नहीं सकते आप, फैक्ट फैक्ट वाले ही क्वेश्चन आने वाले हैं। फैक्ट अगर जिसका स्ट्रांग होगा तो एग्जाम निकलने की संभावना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप रट के रख लीजिए, अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कर लेंगे तो 15-20 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना ले जाएंगे। सारी व्यवस्था को आप पढ़ना पड़ेगा, संविधान संशोधन आर्टिकल, खासकर राज्यों से आर्टिकल बहुत आता है, सीएजी से आता है, यूपीएससी से आते हैं, हाई कोर्ट से आते हैं, फंडामेंटल राइट से कई बार आते हैं, ठीक है। तो आपको आर्टिकल याद रखना पड़ेगा, कमेटीज याद रखना पड़ेगी, लोकल गवर्नेंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ लीजिए, बचे हुए दिनों में अच्छे तरीके से आप, मैं बता रहा हूँ, प्लस में रहेंगे, कम से कम 15+ क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली 15 क्वेश्चन आएंगे, आप गिन लीजिएगा कभी भी, ठीक है। और ये आपको बोनस में है, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें नहीं बच सकते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, यूपीएससी के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष, इतना आपको लिस्ट जरूर याद रखना है। सीएजी, इनकी भी लिस्ट आपको याद रखना है, कितने केस हुए हैं, कितने जजमेंट हुए हैं, उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। कमेटी कौन कौन सी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका क्विक में बताया हूँ, पॉलिटिकल जो साइंस है वहां से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक आपको अब पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी आप जो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, बाकी इतना आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है अभी तक, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये कारगर होगा वीडियो, 10 दिन में भी आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा मानना है। डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, क्योंकि जो है आपके पास 10 दिन अभी है, बहुत है, इसमें आप इतना कर सकते हैं। पॉलिटी आप एक बार इंडिया के पढ़ सकते हैं, लिस्ट आप याद कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ किताबें 4-5 एक नज़र मार सकते हैं आप, ठीक है। गूगल कर लीजिए, मेटा AI कर लीजिए, आपको चैट GPT चाहे जिसका इस्तेमाल करके आप करते रहिए, कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस में, 60+ नंबर आपके आ जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका स्ट्रांग है, उसका 70+ क्वेश्चन आएंगे, इस 70+ वो मार्क्स ला सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दम पर, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और सिस्टम और चुनाव ये सब अगर वो देखा है तो, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था, तैयारी करते रहिए और अपने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग किए रहिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आप हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, शुभ संध्या।